हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में HP में न्यू लॉन्च लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे एंड उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज जिस लैपटॉप को हम अनबॉक्स कर रहे हैं उसका फुल मॉडल नंबर है HP 15 FC0026AU। ये अभी जून में लॉन्च हुआ है एंड इसकी MRP है 47,716 रुपये। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ये आपको बेस्ट प्राइस में कहां पर मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देर के लैपटॉप को करते हैं अनबॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। एक ये प्रीमियम क्वालिटी की पावर केबल दी हुई है, एक ये 65 वोल्ट का एसी फास्ट चार्जिंग एडाप्टर दिया हुआ है एंड ये कुछ यूजर्स मैनुअल दी हुई है। दोस्तों, इसके बिल्ड डिजाइन की बात की जाए तो ये फुल प्लास्टिक बॉडी नेचुरल सिल्वर कलर में आता है। इसका वेट 1.5 kg है। लैपटॉप के टॉप लिड के सेंटर में HP की ब्रांडिंग दी हुई है और इसके यहाँ पीछे की तरफ प्रीमियम क्वालिटी की रबर ग्रिप्स दी हुई है। इससे लैपटॉप को ऐसा करने से ये लैपटॉप को सरफेस से थोड़ा ऊपर की ओर उठा देता है। इससे टाइपिंग पोजीशन अच्छी हो जाती है, कूलिंग अच्छी मिलती है एंड साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। इसके बैक साइड को भी देख लेते हैं। यहाँ ऊपर नीचे चारों कोनों पर प्रीमियम क्वालिटी की रबर ग्रिप्स दी हुई है। यहाँ सिंगल फैन एयर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ विंडोज़ का स्टिकर दिया हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ 22 वोल्ट के ड्यूल स्टोरेज स्पीकर दिए हुए हैं। ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन पर्सनली मुझे काफ़ी शानदार लगी है। लैपटॉप के टॉप लिड के टॉप पर प्रेस करने पे ना के बराबर फ्लैक्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये 15 इंच का लैपटॉप है। इसको सिंगल हैंड से ओपन करके देखते हैं ओपन होता है नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये सिंगल हैंड से ओपन नहीं हो रहा है। इसके हिंज की क्वालिटी काफ़ी शानदार दी हुई है। स्क्रीन को यहाँ तक ले जा सकते हैं। स्क्रीन बबल भी ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ नीचे की तरफ HP की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ एयर एग्जॉस्ट वेंट दिए हुए हैं। इसके पाम रेस्ट को भी देख लेते हैं। इसके राइट साइड पाम रेस्ट पर AMD Ryzen 3 AMD Radeon ग्राफिक का स्टिकर दिया हुआ है। इसके लेफ्ट साइड पाम रेस्ट पर इसके वॉट्सअप सपोर्ट का स्टिकर दिया हुआ है। दोस्तों, इसके कीबोर्ड की बात की जाए तो ग्रे कलर का फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है। इसके ऊपर प्रेस करने पे ना के बराबर फ्लैश देखने को मिल रहा है। इसमें 1.5 mm का की ट्रेवल स्पेस दिया हुआ है। मैंने इसको नॉर्मल यूज़ ब्राउजिंग वगैरह थोड़ी बहुत एडिटिंग गेमिंग करके देखा, मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस के अंदर काफ़ी शानदार रहा है। इसके टचपैड की बात करते हैं, बिग साइज का टचपैड दिया हुआ है विद मल्टी गेस्चर सपोर्ट। मैंने इसको भी नॉर्मल यूज़ वगैरह करके देखा, ये भी काफ़ी स्मूथली चल रहा है। दोस्तों, इसके पोर्ट्स भी देख लेते हैं। इसके राइट साइड पोर्ट की बात की जाए तो एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है। इसके लेफ्ट साइड पोर्ट की बात की जाए तो एक 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया हुआ है, एक 2.1 HDMI पोर्ट दिया हुआ है, एक 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लैपटॉप के फुल कॉन्फिगरेशन की। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर दिया हुआ है। इसकी बेस फ्रिक्वेंसी 2.4 GHz है। इसको 4.1 GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। 4 Core 8 Thread वाला प्रोसेसर दिया हुआ है। 4 MB कैश मेमोरी है। इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें 8 GB LPDDR5 5500 MHz रैम दी हुई है। इसमें रैम के कोई स्लॉट नहीं है, ये सोल्डेड है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। इसके स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें 512 GB की NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव दी हुई है। आप इसको रिप्लेस करके 2 TB तक स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। इसके कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5 दिया हुआ है। इसके इंटीग्रेटेड GB की बात करें तो इसमें AMD Radeon ग्राफिक दिया हुआ है 512 डेडिकेटेड GB मेमोरी के साथ। दोस्तों, इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है 1920x1080p रेजोल्यूशन के साथ, 215 nits ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। दोस्तों, इसके अंदर IPS डिस्प्ले नहीं है, फिर भी आपको साइडों से देखने में तो कोई नेगेटिव नज़र नहीं आएगा। आप इसको ऊपर नीचे से देखोगे तो आपको नेगेटिव नज़र आएगा। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी शानदार दी हुई है। तो इसके स्पीकर भी देख लेते हैं। इसमें 22 वाट के 2 स्टूडियो स्पीकर दिए हुए हैं। इसके साउंड की क्वालिटी काफ़ी शानदार दी हुई है। इसमें आपके एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस भी काफ़ी शानदार रहेगा। दोस्तों, इसका बूटिंग टाइम भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसके वेबकैम की बात करते हैं, इसमें 720p HD वेबकैम दिया हुआ है। इसकी वीडियो 30 fps को सपोर्ट करती है एंड इसके अंदर प्राइवेसी के लिए शटर भी दिया हुआ है। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हो इसी के वेबकैम से रिकॉर्ड की हुई है। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हो इसी के माइक्रोफोन की है।
वेबकैम की क्वालिटी एवरेज एवरेज है, आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस लैपटॉप की फुल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क रन किए हैं। उसमें सिनेबेंड ने सिंगल कोर 1085 स्कोर दिया है और मल्टी कोर 3448 स्कोर दिया है, और वहीं गीगबेंच सी ने सिंगल कोर 1269 स्कोर दिया है और मल्टी कोर 3849 स्कोर दिया है और 4354 ग्राफिक ओपन सेल स्कोर दिया है। पीसी मार्क 10 ने 4150 स्कोर दिया है और क्रिस्टल डिस्क मार्क ने स्कोर दिया है। ओवरऑल इस लैपटॉप के स्कोर एंड परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो मैं गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इसमें GTA 5 फुल HD रेजोल्यूशन पर रन किया। इसने मुझे 25 से 30 FPS दे और गेम भी ठीक ठाक चल रहा था। वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, फिर भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रही है। सो आप इसमें नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो। दोस्तों इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 3 cell 41 watt hour की बैटरी दी हुई है। इसमें आपको नॉर्मल यूज़ ब्राउजिंग वगैरह पे 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। हैवी टास्क गेमिंग एडिटिंग वगैरह पे आपको 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके प्राइसिंग की बात करें तो आपको ऑफलाइन 35 से 36 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे अभी 36 हज़ार रुपये में मिल रहा है। दोनों ही जगह आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कैशबैक मिल जाएंगे। बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो लगी हो तो लाइक करें। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।